कमल के रेशों से बना इको फ्रेंडली कपड़ा। गुजरात के एमएस यूनिवर्सिटी की टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की स्टूडेंट सुमी हल्दर ने इसे बनाया है। तरह तरह के फाइबर और इको फ्रेंडली कपड़ों में दिलचस्पी रखने वाली सुमी ने अपनी मास्टर्स की पढ़ाई के दौरान इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया था। कई प्रयासों के बाद सफलता मिलने पर सुमी ने इसे कम्युनिटी प्रोजेक्ट बनाने की ठानी। आगे हैप्पी फेसेस वडोदरा की मदद से उन्होंने प्रोजेक्ट सुलभा की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट के तहत वह जरूरतमंद महिलाओं को कमल से धागा बनाना सिखाकर रोजगार का एक नया जरिया उपलब्ध करा रही हैं। ये महिलाएं कमल के रेशों के साथ कॉटन को ब्लेंड करके हाथों से यह ऑर्गेनिक कपड़ा तैयार करती हैं। साथ ही सुमी एक ऐसी मशीन पर भी काम कर रही हैं, जिससे यह फाइबर बड़े स्तर पर आसानी से बनाया जा सके। हमें आशा है कि सुमी का यह प्रोजेक्ट जरूर सफल होगा और कपड़ा उत्पाद से होने वाले जल प्रदूषण में कमी आएगी।